मैं भारतीय जनता पार्टी जी निकाय चुनाव का संयोजक सत्यवीर गुप्ता जी अपनी मेयर प्रत्याशी उत्तर राठौर के लिए क्षेत्र में आए हैं जी। कौन से क्षेत्र में आए हैं आप? हम शहरी क्षेत्र में। आपका शुभ नाम क्या है जी? आप नूतन राठौर जी, तो आप ये बताइए, आपको भारतीय जनता पार्टी से जनता पार्टी ने फिरोजाबाद मेयर प्रत्याशी घोषित किया है, तो आपका जो फिरोजाबाद के लिए, फिरोजाबाद की जो जनता है उसके लिए क्या संदेश है? मुझे ये जो टिकट दिया गया है, ये मेरी जो एजुकेशन है और जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर दिया गया जी। और मेरा जो प्राथमिकता है जी, यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसके लिए काम कर रहा है जी। सड़कें हैं, बिजली है जी, नगर को रोशन बनाना है, यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल खोलने हैं जी, बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था की जाए जी, महिलाओं के लिए जैसे हमारे रोजगार की व्यवस्था की जाएगी जी, और जो जलकर और रहकर का शरीरीकरण कराया जाएगा जी, जो एक हमारा स्वच्छता अभियान है उस पर विशेष ध्यान देना है जी, जिसको हमें चरम सीमा तक लेकर जाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं जी। तो मुझे यहाँ पर इस नगर को इतना साफ और सुंदर बनाना है जैसे हम दूसरे शहरों की मिसाल देते हैं जी, कि इंदौर इतना अच्छा है जी, चंडीगढ़ इतना अच्छा है, ग्रीनरी है, ये है वो है, वही हमें अपने शहर में लाना है ताकि लोग भी आकर कहें कि हाँ हम फिरोजाबाद। जो फिरोजाबाद की महिलाओं के लिए कुछ नया करेंगी? महिलाओं के लिए हम जो भी अभी जो हमारी योजनाएं हैं जी उन पर ध्यान दिया जाएगा, खासतौर पर जैसे हमारा जो अंत्योदय योजना है जिसके अंतर्गत जो गरीब बस्ती होती है, जो बड़ी हुई आबादी का क्षेत्र है, उसमें स्पेशली महिलाओं के लिए पक्के मकान की व्यवस्था की जाएगी जी। जो गरीब श्रमिक बस्ती से भी बिलोंग करते हैं उनके लिए भी मतलब पक्के हाउस की व्यवस्था की जाएगी जिसमें उन्हें मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क, बिजली सब दिया जाएगा। महिला की सुरक्षा के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, ये चीज जब मैं आऊंगी सीट पर जी, तब मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगी जी। जो भी अधिकारी होंगे जी, जो भी सीनियर्स पुलिस हैं, उनको ये अधिकार दिया जाएगा कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे जी। Let's go, let's go, let's go.